अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं जुनेद हलीम। एक नज़र हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि अब कोई मावराए कानून हुक्म काबिले कबूल नहीं, कोई जज मावराए आइन हलफ नहीं उठाएगा। चीफ जस्टिस कहते हैं जो गोली उनके नाम की बनी है वही लगेगी। हालात ऐसे हैं कि सिंधी, पंजाबी, बलोची और हजारा समेत कोई महफूज नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और तशद्दुद के वाकयात में 7 अफराद जांबहक और 5 जख्मी हो गए। पेशावर में पिक्चर हाउस सिनेमा में दस्ती बम हमले से 6 अफराद जख्मी, पहली बार लिपस्टिक नुमा ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया। कोयटा के करीब मश्क के इलाके पीर इस्माइल ज्यारत में मुसल्ला अफराद ने 8 कानकुनों को अगवा कर लिया। सानिहा रसूल पार्क में शहीद 9 अहलकारों की लाहौर में नमाज जनाजा, सूबे में नया सिक्योरिटी प्लान नाफिज। आईजी पंजाब ने कहा है कि हमला नेटो सप्लाई खुलने का रद्द अमल हो सकता है। मियां चन्नू की खातून कल हरारत के हां बेक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश, 4 बेटों और 1 बेटी को देखकर वालिदैन खुश। गर्मी के सताए अवाम बरसात के लिए हो जाएं तैयार, आज से मुल्क के बालाई और वस्ती पंजाब समेत मशरकी सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। गर्मी की लहर ने यूरोप को भी लपेट में ले लिया, यूनानियों के साथ जानवर और परिंदे भी निढाल। अमरीकी रियासत लोआ में खुशसाली से फसलें तबाह, किसानों की बारिशों के लिए दुआएं। स्पेन के बजट में कटौतियों के खिलाफ सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा, वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा। कराची के साहिल पर रानाइयों से भरपूर फैशन शो, झिलमिल करते रैंप पर मॉडल्स ने कैटवॉक के साथ रक्स करके शुरका के दिल मोह लिए।